पॉइंट नंबर फोर, चौथा पॉइंट। अच्छा, गौर करोगे तो हमने टीचर्स की बात कर ली है, फ्रेंड्स की बात कर ली है, कौन बचा? ठीक है, पेरेंट्स को भी हम सराउंडिंग्स वो तो चूज नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड लव आवर पेरेंट्स। हम आ रहे हैं अपने ऊपर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसमें एक हदीस है जिससे मुझे इंस्पिरेशन हमें मिल रहा है, इसमें सही बुखारी की हदीस है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कुन, तुम्हारी बॉडी का तुम पर हक होता है, तुम्हारी बॉडी का तुम पर हक होता है। मतलब ये बॉडी है ना, ऊपर वाले की दी हुई अमानत है, ये अमानत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। वी हैव टू आंसर हिम कि क्या ख्याल रखें। इसी वजह से जो लोग बोलते हैं ना, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरी बॉडी ख़राब हो रही है, तुम्हारा क्या है? कि नहीं, ये तुम्हारी है ही नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है जिसने तुम्हें दिया है टू यूज़, एंड ही इज़ गोइंग टू सी वेदर यू डू द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। वो उसका फैसला तुम्हारे ऊपर, जजमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर क्या मामला है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इफेक्टिव स्टडीज़ का, इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, स्लीप पैटर्न का ख्याल रखना, इसमें अपने आराम का ख्याल रखना। कुछ लोग होते हैं जो ओवर वर्क करने में, जैसे अभी कोई बता रहा था ना 23 आवर्स से सोए नहीं है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ नॉट द राइट वे। कभी एक बार कर लिए, कोई मजबूरी है, नेसेसिटी है, अलग बात है, बट रेगुलरली अगर डिप्राइव कर रहे हो अपनी बॉडी को, देन दिस इज़ नॉट गुड, ये बहुत ख़राब बात है। तो अपने आप को इस चीज़ के अंदर इस तरह से बनाना कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंक फूड और ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी होती है, इससे जहन पर भी असर आता है। देखिए, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो है, ये खुद हमारे स्टडीज़ और जनरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग अनहेल्दी चीज़ें लेते हैं, हार्मफुल चीज़ें लेते हैं, जिन चीज़ों से नुकसान होता है, जिनका प्रूवन नुकसान है, कई बार स्लो पॉइजन साबित हो चुका है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स जो है, जिस तरह से। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का केयर करें। तो यहाँ पे बात ये है, हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ ये है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्लीप हो गई, उसमें नींद हो गई, उसमें क्या चीज़ हो गई, डाइट हो गया, उसमें एक्सरसाइज हो गई। मान लो कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने लेथार्जी की वजह से अनहेल्दी होता जा रहा है, काउच पोटेटो बनता जा रहा है। और कई बार क्या होता है, जो बहुत स्टूडियस लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी को सफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी अक्सर स्टडीज़ वो बुक्स के अंदर होती है। तो अगर एक शख्स की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो ये चीज़ का असर उस पर पैदा होगा, अभी नहीं तो लॉन्ग रन में पैदा होगा, हो सकता है शॉर्ट रन में ही उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो कई बार ये चीज़ों का ख्याल रखना, हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते डेट्स, खजूर है जिसके अंदर एक अच्छे एनर्जी लेवल मिलता है, या सफिशिएंट वाटर है, पानी पीना, और कई सारी चीज़ें हैं, हनी है, कलौंजी है, ये सारी चीज़ें जिनसे काफ़ी अच्छी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। तो वो चीज़ें एक इंसान यूज़ कर सकता है अपने डाइट के अंदर, ताकि वो इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सके। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर फोर। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।